रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका मेन पर्पस जो है आप सब दोस्तों के साथ प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट रिलेटेड जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। मैं आपके साथ जो है पिछले तीन चार वीडियो से जो है प्यास के जो पास पेपर्स हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल्स, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये शेयर कर रहा हूँ। और अभी तक मैं आपके साथ फिजिक्स का 2019 और 2021 का जो पेपर है वो शेयर कर चुका हूँ। इसी तरह मेटलर्जी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का जो है मैं 2021 का जो लेटेस्ट पेपर है प्यास के फेलोशिप के वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और आज जो है मैं आपके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसका पास पेपर जो है, जो रिसेंट पास पेपर है, वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये टेस्ट जो है 21/8/2021 को प्यास एमएस फेलोशिप के लिए ऑफर कंडक्ट किया गया था, और ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है वो पेपर है। एक बार फिर आपको बात बताना चाहूँगा कि इन पेपर्स का मकसद जो है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, आपको एक वे देना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए प्यास जो है अपने एंट्री टेस्ट में पूछते, ताकि आपको पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया हो सके, आपको ये आइडिया हो सके कि किन बुक्स से जो है ज़्यादा, किन सब्जेक्ट से ज़्यादा जो है रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को आप फिर अच्छे तरीके से कवर करें, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स ही चेंज होती हैं हर साल, बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैकेनिकल के लोग हैं उन्हें आज इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, और आप फिर अपनी तैयारी जो है करने के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गए आपके ये क्वेश्चन। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो एस एन कर्व फॉर स्टील बिकम्स एसिमेट्रिक एट डे साइकल्स, कितने साइकल्स पे जाके जो स्टील की एस एन कर्व होती है वो एसिमेट्रिक हो जाती है, सॉरी एसिम्प्टोटिक हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज डन विद लो करंट एंड लो वोल्टेज, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, लो करंट एंड हाई वोल्टेज, या लो करंट, लो वोल्टेज एंड हाई करंट। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम किसके साथ करते हैं ये पूछा गया था। थर्माइट इज यूज्ड इन वेल्डिंग इज मेड बाय, कि जो वेल्डिंग में थर्माइट यूज होते हैं वो बेसिकली किस तरह हम बनाते हैं, इस तरह ये जो है एक फिगर गिवन थी। फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये ए और ये बी तो एंगल्स गिवन थे, तो इनके लिए टेंशन जो आपने वो फाइंड करनी थी। सिंपल वही जो फिजिक्स में भी हम जिस तरह चीज़ें देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी थी बैलेंसिंग करके वेट और टेंशन के साथ, और एंगल्स ज़ाहिर है क्योंकि कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना था, तो ये बड़ी आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। इस तरह नीचे जो है एक और क्वेश्चन जो था वो भी इसी तरह ही कुछ था, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज एट फिक्स्ड एंड, और ये एट फ्री एंड, और इस तरह जो है ये आप इस क्वेश्चन को जो है इसकी स्टेटमेंट को आप कंप्लीट समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट जो है क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि ये थोड़ी सा आपको आइडिया मिल रहा है, बाकी कोई ऐसा कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि प्यास का पेपर जो है और तो वो होता नहीं है। तो ये जो स्टूडेंट जो है वो पेपर हर साल जो अपीयर होते हैं ये उनसे जो है डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है, उन्हें जितनी चीज़ें जो है मेमोराइज होती हैं, जितनी चीज़ें याद होती हैं वो उनसे जो है इकट्ठी करके उसे जो है वो लिख लिया जाता है। बारह ये दो दफ़ा पेपर रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर R134 वो पूछा हुआ होगा, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो पूछी है, सन हैज टीथ 100 एंड प्लैनेट हैज 20, इफ आर्म ऑफ सन रिवॉल्व 3 रेवोल्यूशंस फाइंड रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, तो कोई ये सन और प्लैनेट से रिलेटेड जो है कोई चीज पूछी हुई है, रेवोल्यूशन पूछी हुई है प्लैनेट की, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, if w is weight density of belt and v is speed then centrifugal tension will be, ठीक है। if in boundary layer flow is inside and rotational
और इनसाइड एंड रोटेशनल और इस तरह कुछ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इफ डिस्चार्ज इज क्यू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज स्पेसिफिक स्पीड गिवन है पंप की, इफ डिस्चार्ज इज हाफ स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा, वो पूछा हुआ है, ये NS है, ठीक है। तो वो इसकी डबल हो जाएगी, वही रहेगी, या उसकी अंडर रूट टू टाइम हो जाएगी, या उसकी डिवाइड बाई अंडर रूट टू टाइम हो जाएगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछूंगा। डीजल इंजन आर मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन बिकॉज, जो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, क्यों? बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, अगर इंसुलेशन की जो थिकनेस हम बढ़ा दें तो क्या होगा, कन्वेक्शन और कंडक्शन इंक्रीज होगी, दोनों डिक्रीज हो जाएंगी, या कन्वेक्शन इंक्रीज होगी कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, या कन्वेक्शन डिक्रीज हो जाएगी और कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। तो ये इस तरह जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी आप चेक कर सकते हैं, और किन टॉपिक्स और किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा इन्होंने हिट किए हुए हैं वो भी आपको आइडिया हो सकता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग हैं। बाकी कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, कोई रट्टे वाली चीजें नहीं होती, और ना ही बहुत ज्यादा कोई तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप बुक्स की बुक्स पढ़ पढ़ के ढेर लगा दें। तो बारह पाथ ऑफ कंटेक्ट पॉइंट इन, ये देखें गियर से रिलेटेड पूछे हुए, मोर सर्कल सेंटर इज एट 0 0 व्हेन, ये पोली जो मैट्रिक्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो है रिलेशन कोई नीचे पूछी हुई है। 12 ये आप पढ़ सकते हैं, विच हैज मोर पॉइजन रेशियो, वुड स्टील रबर कंक्रीट, ठीक है। व्हेन फ्लूड एड्रेस स्टेटिक, तो शियर स्ट्रेस जो है जीरो होती है और नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो होती है, या नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होती है और शियर स्ट्रेस नॉन जीरो होती है, इस तरह चार ऑप्शंस गिवन थी। इस तरह आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इंसुलेटेड टैंक इज एवोक्यूटेड एंड देन वाटर एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये फ्रॉम अ सप्लाई लाइन इज ट्रांसफर्ड इनटू टैंक बाय ओपनिंग वॉल, द वाटर रिमेंस एट 1 MPa प्रेशर व्हेन टैंक बिकम्स फुल, द टेम्परेचर विल बी 350 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या हम आंसर नहीं कर सकते इस चीज को। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फिगर भी कोई गिवन थी क्वेश्चन की। इन 4 बार मैकेनिज्म से रिलेटेड इसने बताया हुआ है, ए बी सी डी बी सी ए डी, विच बार इज ग्राउंडेड इन ऑर्डर टू मेक इट डबल, ठीक है। तो ये इस तरह ये आप देख सकते हैं, और ये भी, तो ये बेसिकली जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2021 का जो है पेपर था जो मैंने आपके साथ जो है शेयर किया आज। तो उम्मीद है जो मैकेनिकल के लोग हैं उनको इस पेपर को देख के आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, किस डिफिकल्ट लेवल तक उन्होंने तैयारी करनी है, किन मेन टॉपिक्स या किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। तो और तैयारी का ये तरीका होता है कि ये जो जिस तरह क्वेश्चन जो आए हुए हैं इन टॉपिक्स को आप पहले अच्छे से कवर कर लें, फिर इसके बाद जो है आप ये जो कुछ पास पेपर्स अवेलेबल हैं जिस तरह ये मैंने आप एक आपके साथ शेयर किया, और भी इस तरह कुछ करूंगा, ये आप गूगल में जाके सर्च आउट करें, कंप्लीट स्टेटमेंट इन क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे, वो सोल्व करें, उससे रिलेटेड जो सजेशन में आ रहे हो वो आप सोल्व करें, और फिर आपकी जो है इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती, ना ही बहुत ज्यादा इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत होती है कि बस पेपर ही पास मुझे मिलने और मैं वो सोल्व करना शुरू कर दूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को फायदा हो जाएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।